इंटर स्कूल चैंपियनशिप ट्रॉफी। जल्दी चलो चुलबुल, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चड्डा अंकल इतने डेंजरस साइकिलिंग क्यों करते हैं? देखना, इस बार हम चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। हमारे इस नए स्टूडेंट करण ने कई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जीती है। यकीन नहीं हो रहा कि हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। हाँ, हर साल तो वो इंटरनेशनल स्कूल वाले चीटिंग करके जीत जाते हैं। उनका प्रिंसिपल खुराना बहुत ही खराब आदमी है। करण, मैंने सुना है कि तुम अमेरिका जाके इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। यस सर, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और वो मेरे पास नहीं है। देखो करण, हम तुम जैसे टैलेंटेड लड़कों को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर फ्री पढ़ाते हैं। वहाँ रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब फ्री। सच सर? क्या आप मुझे स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेंगे? यस करण, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सर, मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। तो बस तुम अपने पैर में चोट लगने का बहाना करके घर चले जाओ। हम 10 सालों से ये रेस नहीं हारे हैं, और हाँ, इस बार भी हारना नहीं चाहते। ओके सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट स्कूल से कोई नहीं आ रहा क्या? वीर, तुम बहुत छोटे हो, इन बड़े लड़कों से जीतना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। आप रेस स्टार्ट करिए। वीर वीर, तुम नहीं दौड़ सकते। करण करण कहाँ है? सर, उसके पैर में चोट लग गई है, वो घर चला गया। जरूर उस खुराना ने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या होगा? ऑन योर मार्क्स गेट सेट। मिस्टर खुराना, वो देखिए, वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दौड़ रहा है। उसे क्या लगता है कि वो जीत जाएगा? कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, और हाँ, उस पर नजर रखो। वीर, तुम इन लड़कों से नहीं जीत सकते। अगर रोबोटिक पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है, मुझे ऐसा डराओ कि किसी को पता ना चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। बच्चे, थक जाओ तो बता देना, मैं गोदी में उठा लूंगा। ये लो जी। जल्दी कराओ, सब टेबल चेयर लगाओ। अभी तो रेस शुरू हुई है, सबको आने में टाइम लगेगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे
मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया? तुम कहाँ से आ गए? मैं तो आपके पीछे ही भाग रहा था। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो, ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ये कैसे भाग रहा है? जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ ही दो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब तू पीछे ही रहेगा, हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। आगे बढ़ने से रोक दो। लटके रहो बच्चे, वहाँ झूला झूलो, ये उम्र झूला झूलने की ही है। मैं यहाँ हूँ बॉस, बोलो क्या करना है? करना क्या है, उठा के ये जाल उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर फेंको जो वीर का मजाक उड़ा के गए हैं। अरे जिंटू, वीर को तो कम से कम बाहर निकाल लेना था। Hey guys, हम इस बच्चे से हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। Come on, let's stop him. जीतती है टिफिन खाके।
लड़कों ने बहुत कुछ देख लिया है, उनकी याददाश्त गुम कर दो। अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हें ना कुछ आए, ये जैसी याद हो तेरी बाकी सब कुछ भूल जाए। रखना ये एक्स्ट्रा बैटरी रख लो बैग में, वहाँ तुम्हारी चार्जिंग कौन करेगा, ये बैटरी काम आएगी। और ध्यान रहे, कोई ऐसी हरकत मत करना कि किसी को तुम पे किसी भी तरह का शक हो। ओके दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं भी जाऊंगा। दादाजी कहो ना वीर अपने स्कूल कैंप में मुझे भी ले चले। नहीं चुलबुल, तुम नहीं जा सकते, जिंटू और तुम दोनों साथ खेलना। तक दिना दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन, तक दिना दिन। मैं 2 दिन 1 रात के लिए नीली झील के किनारे स्कूल कैंप जा रहा हूँ। क्योंकि मैं वीर के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वीर चाहता है कि तुम मुझे वहाँ ले जाओ। ओके बॉस। जिंटू, अरे सुनो तो, जिंटू। ये चुलबुल बहुत चालाक है। तुम सबको स्कूल में सिखाया गया है कि टेंट कैसे लगाते हैं। अब टेंट लगाने का कंपटीशन है, जो पहले लगाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। नो चीटिंग वरना आई विल सी यू। रेडी गो, जल्दी करो। वो देखो, बंटी चीटिंग कर रहा है। सर, मेरा टेंट लग गया सर। वेरी गुड बंटी, वेरी गुड। क्या इन्हें ढूंढ रहे हो, मेरी तरफ पड़े थे। तुम चीटर हो, तुमने चीटिंग की है, तुमने ये जानबूझ के छुपाए थे। हाँ चीटिंग की है, क्या कर लोगे तुम, खट्टी मीठी इमली। ए, बंटी से पंगा लेगा ना तो बंटी तुम्हारी घंटी बजा देगा, टिंग टिंग टिंग। इस बंटी को सबक सिखाना ही होगा। ये क्या हुआ, टेंट कैसे गिर गया। बंटी को थोड़ा और सबक सिखाना जरूरी है। वेलकम दोस्तों, पहले किसे खाऊं, तुमको या तुमको। Stop!
आज वीर को ऐसा डराऊंगा कि पूरा स्कूल उस पे हंसेगा। ये नहीं सुधरेगा, मेरा बस चले तो खुद भालू बनके इसको अच्छा सबक सिखाऊं। लो, तुम्हें मौका मिल गया। ओह थैंक्स जिंटू थैंक्स। मजा चखा रहे हैं, मुझे उन दोनों को रोकना होगा। कौन है उधर? कौन है? वापस आओ, कौन है? सर सर, बंटी के पीछे भालू पड़ गया था। बंटी घबरा कर जंगल में भाग गया है। अब क्या होगा कक्कड़ सर, आप जाके उसे ढूंढो। चिंटू चिंटू हेल्प, चिंटू यार कहाँ है तू? क्या कर रहा हूँ? वीर वीर हेल्प करो मेरे यार, ये जिंटू पता नहीं कहाँ चला गया। सर्च लाइट्स ऑन। चिलबुल तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद कर रहे हैं और क्या, उसी चक्कर में खुद फंसे जा रहे हैं। जिंटू कहाँ है तू? जिंटू कहाँ है तू? जिंटू को छोड़ो, बंटी को ढूंढो, वो जंगल के अंदर कहीं भाग गया है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। सर, आप मुझे बचाने आए। मैं तुम्हें क्यों बचाने आया, मैं भी फंस गया, अब हमें कौन बचाएगा? ऐसे मौके पे तो सिर्फ एक ही लड़का है, वीर, जो सबकी मदद के लिए आता है। पता नहीं मुझे बचाने वो आएगा कि नहीं। लोग क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा, इन्होंने मुझे ऐसे बांधा है कि लेजर बीम से रस्सी भी नहीं काट सकता। हाँ,
शूज ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। लेकिन आपने हमें पकड़ा क्यों था? यहाँ तुम जैसे तमाम बच्चे और बड़े लोग आते हैं और जब वापस जाते हैं तो बहुत सारा कचरा यहाँ छोड़कर जाते हैं, जिससे कि हमारा जंगल बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए हम सबको डरा धमका के छोड़ देते हैं ताकि फिर वो कभी ना आए। मैं आपका संदेश सबको दे दूंगा कि वो फिर कभी जंगल में कचरा ना फेंके। अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। तुम और बच्चों जैसे नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीर है। अरे वाह वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो। वीर आ गया। ये! जिंटू तुम यहाँ सो रहे हो? जब भी मुसीबत होती है तुम गायब हो जाते हो। मैं क्या कर रहा था कुछ याद नहीं। ओह नो, चुलबुल के पीछे एक भालू पड़ा था, मैं अभी आया, वो बेचारा पता नहीं कहाँ होगा। जिंटू मैं यहाँ हूँ। स्टूडेंट ऑफ द वीक। बंटी क्यों हमें कागज के रॉकेट मार रहे हो? मैंने कब रॉकेट मारा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दोस्तों किसी ने देखा कि मैंने इमली और वीर को रॉकेट मारा? हाँ? नहीं, नहीं नहीं हमने तो हमने नहीं देखा, देखा। मैंने नहीं मारा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, देखा? नहीं देखा। ठीक है बच्चू, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो भी इमली और वीर के सिवा कोई नहीं देखेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म टिकड़म दम दमादम। तुमने क्या किया? उसे वापस बुलाओ। वो तुम्हें तंग कर रहा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ तुम ही उसे वापस ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। स्टूडेंट्स, इस हफ्ते जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसे स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी दी जाएगी। अच्छे काम से मतलब है दूसरों की मदद करना, कोई गलत काम नहीं करना, समझे? यस सर। स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी तो मैं ही जीत के रहूंगा। सुनो मेरा प्लान, मैं ये केले के छिलके कॉरिडोर में फेंक दूंगा, तुम दोनों सामने से आके उस पर फिसलना और काफी दूर फिसलने की एक्टिंग करना, फिर मैं तुम दोनों को पकड़ के बचा लूंगा और मुझे इस अच्छे काम के लिए स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाया जा सकता है। रेडी। देखिए सर, मैं
हाँ तो मिस्टर कक्कड़ आप ध्यान रखिए कि सारा इंतजाम अच्छे से। ये क्या हुआ उनको? वो लोग तो स्किट कर रहे हैं और आगे कॉरिडोर के एंड में सीढ़ियां हैं। उनको रोकना होगा। वीर बेटा ये लो। हमें बचा लोगे। थैंक यू वीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीर, तुमने रोका नहीं होता तो हम नीचे ही गिर जाते। बंटी, वीर को थैंक्स नहीं बोलोगे? हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। आज मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि सब मेरी तारीफ करेंगे। सुनो, कल मैंने एक डॉग ट्रेनर से बात की है। वो आज अपना डॉग यहाँ गेट से अंदर छोड़ देगा और वो डॉग सब स्टूडेंट्स पे भौंकेगा और उन्हें काटने के लिए दौड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे बंटी? उसे इंग्लिश में जो भी बोलो वो सब समझ जाता है। मैं कहूँगा स्टॉप बॉकिंग, वो भौंकना बंद कर देगा। और मैं कहूँगा रन फ्रॉम हियर, और वो भागने लगेगा। और मैं चेस करूँगा और वो भाग के गेट के बाहर अपने मालिक के पास चला जाएगा और मुझे सब स्टूडेंट को बचाने के लिए बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी मिलेगी। मैं डॉग ट्रेनर से बात करने के लिए फोन लेकर आया हूँ। हेलो बंटी हियर। हेलो बंटी, मैं डॉग लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसे गेट से अंदर छोड़ दूंगा। वो सब पे भौंकेगा और काटने भागेगा। डरना मत, वो काटता नहीं है। लेकिन याद रखना, जो कहना उसे इंग्लिश में ही कहना। वो तुम्हारी हर बात मानेगा, उससे सिर्फ इंग्लिश ही आती है। ओके, जल्दी भेजो उसे, मैं बाहर स्कूल प्लेग्राउंड में ही हूँ। ओफो, ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। किसी मैकेनिक को बुलाना होगा। सुनो, तुम इसे अभी के अभी स्कूल ले जाओ। अच्छा हुआ सब टीचर्स प्रिंसिपल भी यहाँ है। अब मैं दिखाता हूँ अपनी बहादुरी। हे डॉग, स्टॉप बार्किंग। का टाप टाप चिल्लाता है रे, अब मेरी सुन। स्टॉप स्टॉप, रन रन। वो देखो, वो डॉग किसी के पीछे पड़ा है। समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा मजा इसको भी चखा दूं। ये डॉगी, गुस्सा थूक दो। क्रूर मनुष्य का ही नहीं, डॉग का भी दुश्मन है। अभी बताता हूँ, क्रोध किसका दुश्मन है रे। क्रोध मनुष्य का दुश्मन होगा रे। हड्डी मिल गई, छोड़ यार, इनसे क्या झगड़ा। प्लान मैं बनाता हूँ और क्रेडिट वीर ले जाता है। लेकिन इस बार मेरा प्लान कामयाब होगा। मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके दरवाजा बंद कर लूंगा। तुम लोग प्रिंसिपल सर से कहना कि एक चोर आपके ऑफिस में चोरी करने आया है और बंटी उससे अंदर जाके लड़ रहा है। तुम अंदर से दरवाजा बंद करके फाइटिंग की एक्टिंग करोगे? शोर मचाओगे जैसे चोर से लड़ रहे हो? फिर मैं दरवाजा खोल के कहूँगा, चोर खिड़की से भाग गया। ये लो सब लोग अपने अपने बैग्स। ये प्लान परफेक्ट है। चलो चलो, असेंबली खत्म हो रही है। सर, एक
चोर सबके बैग चोरी करके आपके ऑफिस में भी चोरी करने गया है सर, और बंटी ने उसे देख लिया है, वो उसे लड़ने गया है सर, और दरवाजा अंदर से बंद है, अब हम क्या करें? चोर, चोर, पकड़ो। देखा सर, बंटी कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। बचाओ, हेल्प, असली चोर है, हेल्प। क्या हुआ सर? वीर, एक चोर अंदर है, उसने बंटी को पकड़ लिया है। एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? मैं बच्चा नहीं, रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे मत आना, मैं कह देता हूँ। कैसे हो सकता है? इसके हाथ लंबे हैं, इसके हाथ लंबे हैं, ये भूत है, भूत। मुझे नहीं पता तुमने उसे कैसे डरा दिया, लेकिन तुमने आज स्कूल का सारा पैसा बचाकर बड़ा काम किया है, और बंटी को भी चोर से बचाया। चलो ऑफिस चलो, मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी देना चाहता हूँ। इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो, मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा। पापा पापा प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए, और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना, देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है, उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा, जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं,
जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। वीर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं जादू से बना देता हूँ, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। देखो गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट, इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो बड़ा बन गया, अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर बचाओ, देखो चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर मम्मे, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा पापा कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल अंकल मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं, जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। यस फ्री गिफ्ट। मैं तुम जैसे होनहार बच्चों को एनकरेज करता हूँ ताकि बड़े होके तुम साइंटिस्ट बनो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे ऑपरेट कैसे करना है। मेरा डोंकी सेंस कहता है यहाँ कुछ खतरा है, वो दाढ़ी वाला आदमी सही नहीं है। चलो एक दुलाटी मार के देखता हूँ। ये तो टिम्बकटू जैसा लग रहा है, एक दो लात और मार के देखता हूँ। बचाओ, हेल्प, ये गधा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट, और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मेरे रोबोट को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। से बाहर हो गया है, और अब हमारे स्कूल से बंटी अपना रोबोट लेकर आएंगे। और अब हमारे ही स्कूल से वीर के रोबोट की बारी है। Thank you.
लिए बहुत गर्व का दिन है। सब जजेस ने वीर के रोबोट को फर्स्ट कहा है। इससे बढ़िया रोबोट हो ही नहीं सकता। वीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मेरा रोबोट सबसे अच्छा है। आई चैलेंज वीर के रोबोट को। ओपन चैलेंज, मेरे रोबोट से फाइट करके दिखाए। बंटी, स्टॉप इट। आई से स्टॉप इट। सर, अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट इज द बेस्ट। आई चैलेंज वीर्स रोबोट फॉर अ फाइट। प्रिंसिपल सर, परमिट हिम। वीर ने मोबाइल रेस का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए बंटी को भी चैलेंज करने का हक है। ओके, फाइट। लेट्स सी हु इज द बेस्ट। रोबोट बनाया है, एक फाइट भी ठीक से नहीं कर सकता। मेरे बॉस को बेवकूफ कहा? अभी मजा चखाता हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो मैड मैक्स का काम लगता है। तुम ठीक कह रही हो, रोबो बॉय को आना होगा। रोबो बॉय, आप सब एक साइड में हो जाइए। प्रिंसिपल सर, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने गया था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप फोन करके उन्हें बताइए ना। थैंक यू वीर, अब उसकी जरूरत नहीं। रोबो बॉय ने आकर सब ठीक कर दिया। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज अनाउंस करें। प्राइज वही है जो पहले था, वीर का रोबोट फर्स्ट है। हे, सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।